हरि ओ हरि ओ नमः। आज बड़े हर्ष का विषय है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही सुंदरतम तरीके से आपको ये सारी बातें समझा दी गई है और हेलो लगभग आज ऐसा लग रहा है कि आप और हम सभी मिलकर उस जैसलमेर जिले के रुणीचा धाम में विराजमान है। मुझे ऐसा लग रहा बिल्कुल केसरिया सा कोई शादी ब्याह का माहौल हो। कल रात्रि में हम लोग एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में थे। यहाँ पर सरपंच साहिबा विराजमान है, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं। बाड़मेर जिले के अंतर्गत एक महान तपस्वी हुए डूंगरपुरी जी महाराज। ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं मैं कि आपको लगता होगा कि मेला बड़ा है, जनता बहुत ज्यादा है, ये व्यवस्था कौन देखेगा, क्या संभालेगा, कैसे संभलेगी। ये सारी व्यवस्था जो करता है वही संभालता है। करने वाला रामदेव जी है और संभालने वाला भी रामदेव जी है। अपन कुछ नहीं कर सकते। अरे अरे, ये कार्यकर्ता बंधु खड़े भी है न, वो भी बैठ जाए आराम से, भजन का आनंद ले। आ जाओ, ये फ्रंट लाइन में आगे आकर बैठ जाओ। सभी लोग जो ये सुंदरी सापे बांधे खड़े हैं, नहीं आप लोग बैठ जाओ। कल रात्रि में थोड़ा बेस्त तो बाड़मेर जिले के अंतर्गत जैसलमेर बॉर्डर, वहां से केवल 44 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर रहता है। वहां पर एक सिद्ध महापुरुष हुए जिनको ईश्वर के बराबरी की उपाधि दी गई। जय हो। बाकी संत भगवान का रूप ही होता है, इसमें कोई बेशक। एक गुरु वंदना के माध्यम से आज की भक्ति को आगाज प्रदान कर रहा हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, एक लाइन कटकी है मॉनिटर साइड, देख लो एक बार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मानव जीवन में एक गुरु की आवश्यकता बताइए, क्योंकि जन्ना गुरु और जिन्ना मात पिता रा पुण्य प्रबल वे बे लोग ही अड़ा ऐतिहासिक काम कर सके। एक तो वे सतगुरु, एक वे गुरु। गुरु तो कौन है? आपने कोई धंधो बिजनेस सिखाई वो आप रो गुरु, मोने कोई पेटी ढोलक सिखाई वो मोरो गुरु, कोई गाड़ी लावनी सिखाई वो ही अपनो गुरु, कोई बीड़ी पीड़ी सिखाई वो ही अपनो गुरु है, क्योंकि गोडा बनना ला गोडा है। एक होता है सतगुरु जो इन जीव ने आत्मा रो ज्ञान करावे कि हे जीव तू जीव नहीं है, तू शिव है, तू आत्मा है ही नहीं, तू उस परमात्मा का एक रूप है। यदि तू सुकृत काम करेला, भक्ति करेला, दान पुण्य यज्ञ हवन पूजा पाठ करेला, तो मानव जीवन री गाड़ी पार हो जाएगा भाई। एड़ा सतगुरु महाराज कुको पत्रिका में आप देखे वेला पूज्य दीवान साहब, पूज्य भवरू महाराज, जय हो, अभी जो बाल जी यहाँ पर विराजमान है, ऐसे अनेकों अनेक संत कल प्रतिष्ठा तक यहाँ पर पधारने वाले, ये आपकी गांव के भाग है। जय हो। आवाज बहुत कम आई है, बंद रहेगी आवाज।
हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक बंद आवाज आ रही बंद हेलो चेक चेक हाँ थोड़ा सार्थ बड़ा होता हेलो चेक हेलो 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 चेक थोड़ा सार्थ बड़ा होगा सतगुरु आया है सखी सतगुरु आया है सखी जरी कई मनवार करूं करो थाल भरूं गज मोतिया में निरखण नैन धरूं केवे अरे यदि मारा गुरु महाराज आवे तो थाल भरूं गज मोतिया उन्होंने बदावनो कहनो करो गजमोती लेकिन गजमोती की कीमत होनी है आप अरे एक गजमोती की कीमत है 2.5-3 करोड़ रुपया अरे अरे पते थाल कानू बनना जय हो आ कोई नडारी माटी है जो डालो भरे लेन पर आओ भाई अरे अरे लेकिन गुरुमुखी प्राणी और मंद्रो उमंग है कि यदि मारा गुरु महाराज आवे तो थाल भरूं गजमोतिया में निरखण नैन धरूं धरूं तो मीरा भाई आपरी गुरु महाराज री महिमा रो वर्णन करता लिखियो जय हो ऐसे हम हरी रिदम बंदे ए सोनारो सूरजी उगियो ऐसे हम हरी ए नगरी मा देखो होनारो सूरज उगे ए होयो रे परिकासे कोई होयो रे परिकासे सतगुरु जी आया रे थाना सभी लोग दोनों हाथ उठाए मिटी मिटी ताल के साथ सब जीरो भानो सतगुरु जी आया रे भानो
ऐसे हमारी भेस तो दो बाड़ू गुरु की रे भूर ऐसे हमारी भेस तो दो बाड़ू गुरु की रे भूर ऐसे हमारी कटड़ी रंगाम गुरु की रे खीरे रंगाम गुरु की रे खीरे सतगुरु जी आया रे लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें। बोल श्री माता पिता गुरुदेव।